बनाए हुए है, अभी चालू नहीं किया है। ये शर्म आना चाहिए गवर्नमेंट को और मरकजी सरकार को, जिसने कहा है कि नया कश्मीर बनाएंगे। आज तक जितने भी वादे किए हैं मरकजी सरकार ने, सब वादे आज तक झूठे निकले हैं, कोई सच वादा नहीं निकला है। मुझे पैदा किया है, मैं क्यों डरूंगा? डरेगा वो जो चोर है जिन्होंने कश्मीर भेज कर खाया है। मैं तो कभी किसी को डरता नहीं, मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को, जिस वही मारने वाला है वही बचाने वाला है। बहुत सारी बात एक ही है, इंशाल्लाह ये एक ही रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक ही है। जब भाजपा सरकार आई तब फिर परस्त हो गया यहाँ पूरे कश्मीर में। और मैं जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मुसलमानों की तीन निशान, अल्लाह, मोहम्मद और कुरान, ये हमारा निशान है। इंशाल्लाह ये मरते दम तक ये निशान रहेगा, इनसे कायम रहेगा कयामत दिन तक। हमारे कुरान शरीफ कोई एक हर्फ कोई नहीं बाहर नहीं निकाल सकता है। मैं देखूंगा किसका दम है जो हमारे कुरान शरीफ का एक हर्फ निकालेगा। इंशाल्लाह जिसने ये किया है, उस बदबख्त ने ये किया है, मैंने चेतावनी दिया है, जो उसका सर लाएगा उसको मैं 3 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये वादा है आप लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है, आपको लग रहा है कहीं खुशहाली आ गई? यहाँ तो बेचैनी है, हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आप देखो कितना परेशान है। कोई नया नहीं कश्मीर नहीं बन गया आज तक। आप देखो दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं और उन्होंने दूसरा ऐलान किया शराब दुकान खोलने का। रोजगार के बदले उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ शराब दुकानें खोलेंगे। मैं तो मौजूद हूँ, गोबर शहर मौजूद है कश्मीर में, कश्मीर की धरती पे, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगस्त 2019 से आज तक जितने भी कानून उन्होंने बनाया वो तो अंधा कानून बनाया, वो काला कानून उन्होंने बनाया, कोई कानून नहीं सही नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से, खुदा के घर में देर है अंधेर में ही है, इंशाल्लाह ये जुल्म मिटने वाला है, ये मिटे रहेंगे। इसलिए वो भूखा है जिन्होंने कश्मीर भेज कर खाया है, मैं तो कुर्सी के लिए भूखा हूँ। मैं लड़ाई लड़ूंगा गरीब जनता के लिए, मैं अगर कपड़े फाड़ूंगा पहले फाड़ूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दूसरा फाड़ूंगा जो कश्मीर में गरीब जनता है उनके लिए मैं कपड़े फाड़ूंगा।